हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 के बेसिक की बात कर ली थी। इसमें क्या करना है, स्टेप किस प्रकार से यूज करने, और इसके हमने दो क्वेश्चन भी कर लिए थे, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये दे रखा है गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा हमें सिद्ध करना है। तो देखो, इसमें मान लेते हैं दिया गया कथन क्या मान के चलेंगे, पीएन है। तो पीएन क्या आ जाएगा यहां से, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 प्लस एन, और इक्वल में इसकी क्या है, 2n अपॉन में n प्लस 1। अब इसमें आपको क्या पता है, स्टेप फर्स्ट हमने क्या करना है, स्टेप फर्स्ट n इक्वल 1 रखने पर, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, n की जगह में क्या पुट करना है, हमें 1 पुट करना है। तो p1 की वैल्यू यहां से लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास कितनी है, 1। राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में p1 की वैल्यू कितनी है, 1। राइट हैंड साइड में क्या दिया, 2n अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी रखनी है, 1। तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, ये भी कितना आ गया, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अब इसके बाद इसमें क्या बताया था, अब सेकंड आपने क्या करना है, n इक्वल k रखने पर, स्टेप सेकंड n इक्वल k रखने पर, तो n की जगह पर k पुट करेंगे यहां पर, p k 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर डैश 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 यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश डैश, n की जगह पर क्या पुट करेंगे, k, इक्वल में क्या आ जाएगा, 2k अपॉन k प्लस 1। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और मान के चलेंगे, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। मान के चलेंगे n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, अर्थात p के क्या है, सत्य है, ये हम इसमें मान के चलेंगे। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, n इक्वल k प्लस 1 पुट करें। तो देखो यहां पर, और k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो स्टेप थर्ड, n इक्वल k प्लस 1 पुट करने पर, या n इक्वल k प्लस 1 रखने पर। तो देखो यहां पर, p k प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 n की जगह पर क्या पुट करना है, k प्लस 1, और इक्वल में 2 इनटू n की जगह पर k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, k प्लस 2 भी लिख सकते हैं इसे। अब यहां तक इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर डैश 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 k प्लस 1। ये तो है k प्लस 1 वां पद, तो k प्लस 1 में से पहले पद कौन सा होगा, k वां पद। तो k वां पद यहां पर इसके पहले हो लिख लेते हैं, ये डैश 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 यहां लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 यहां पर क्या होगा, k, यही होगा k वां पद। अब इसकी वैल्यू यहां से लेकर k वें पद तक की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2k अपॉन k प्लस 1। इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 2k
के अपॉन के प्लस वन। तो समीकरण एक से समीकरण एक का इसमें यूज करते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, इस इतने की वैल्यू हमने रख दी समीकरण एक से, 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस प्लस में ये चल ही रहा है 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 k प्लस 1। अब देखो यहां पर 1 से लेकर k प्लस 1 तक n पदों का योगफल फॉर्मूला लगा देते हैं, समांतर श्रेणी का n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d प्लस ये योगफल ये इसका आता है यहां से लेकर यहां तक, तो इसको सॉल्व करते हैं 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2। इस प्रकार से लिखते हैं n पद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n, n की जगह पर यहां पर क्या है k प्लस 1, तो k प्लस 1 अपॉन में 2 2a 2 into a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू k प्लस 1 माइनस 1 फॉर्मूले का इनटू में d अंतर कितने कितने का है में 1 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पर ये तो हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड ये, तो कितना आ गया यहां से हमारे पास 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस ये नीचे वाली संख्या के बटा में 2 2 कहां पर चलाएगा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n है, तो k प्लस 1 इनटू 2 प्लस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल k इनटू 1 k ही आ जाएगा। अब पूरे में से हमारे पास यहां पर कॉमन क्या आ गया 2 अपॉन k प्लस 1 ब्रैकेट में क्या रह गया 1 प्लस 1 अपॉन ये तो बात कॉमन आ गया कह रहे हैं k प्लस 2 यही है। एलसीएम ले लेते हैं इसका, k प्लस 1 2 प्लस k यही आया हमारे पास। एलसीएम लेंगे यहां से, यहां पर ये कितना है k प्लस 1, तो देखो 2 अपॉन k प्लस 1 इनटू यहां से एलसीएम लेंगे इसका, तो यहां से एलसीएम सॉरी यहां पर इसके साथ के हो रहा है तो यहां पर के हो रहा है। अब इसका एलसीएम लेते हैं यहां पर, तो इसका एलसीएम क्या आ गया के प्लस 2, क्योंकि 2 अपॉन के प्लस 1 नहीं आया कॉमन तो के तो यहां पर पड़ा ही, तो यहां पर कितना आ जाएगा के प्लस 2 इनटू के प्लस में 1। इसको सॉल्व करते हैं 2 अपॉन k प्लस 1 k इनटू k k की स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2। अब देखो यहां पर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये किसका फार्मूला होता है a प्लस b की होल स्क्वायर, तो 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 1 की होल स्क्वायर यही बनेगा यहां पर। इसको क्या लिख सकते हैं k की स्क्वायर 8 प्लस 2 इनटू 2k इनटू 1 2ab 2 इनटू k इनटू 1 क्योंकि a की वैल्यू k ही है प्लस में 1 की स्क्वायर, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया k प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन में क्या दिया k प्लस 2 1 k प्लस 1 से 1 पावर कैंसिल तो क्या रहेगा 2 इनटू k प्लस 1 k प्लस 2 को लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1 और यही इसमें हमें प्रूव करना है इक्वल है किसके राइट हैंड से। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा n belongs to n ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है, दिया गया कथन ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमें दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 देखो यहां पर इसमें क्या दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3
इक्वल में हमें प्रूव करना है n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री अपॉन में फोर। गणितीय आत्मा सिद्धांत द्वारा ये कथन है भी ये जो दिया गया कथन है सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। तो देखो इसमें स्टेप फर्स्ट उद्गरोगे, यही मान लेता हूं मैं इसको पीएम है, ये दिया गया कथन ठीक है, आप अलग लेंगे यहां पर लिख लो। ये स्टेप फर्स्ट n इक्वल वन खुद पुट करोगे, स्टेप फर्स्ट क्या करोगे खुद सोल्व करोगे n इक्वल वन पुट करके p1 की वैल्यू यहां से देख लो क्या आई, 1 इनटू 2 इनटू 3 कितनी आ गई 6। यहां पर 1 पुट करोगे तो 1 इनटू 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4 अपॉन में 3 इनटू 2, ये भी कितना आ जाएगा 6। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड की। तो आपका n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या हो जाएगा सत्य, अर्थात P1 हमारा क्या होगा सत्य। ये खुद कर लो। स्टेप सेकंड, n इक्वल k रखने पर, सेकंड स्टेप में क्या करना है n इक्वल k पुट करना है, तो P k 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, डैश 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 k इंटू k प्लस 1 इंटू के प्लस टू इक्वल में एन की जगह के पुट करते हैं के इंटू के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन में फोर, अपॉन में कितना है फोर। तो माना एन बराबर के लिए दिया गया कथन सत्य है, मान के चलेंगे n बराबर k के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है, अर्थात p के सत्य है, अर्थात p के क्या है सत्य है, ये हम मान के चलेंगे। फिर थर्ड स्टेप की बात करें तो इसमें क्या करना है, n इक्वल k प्लस 1 रखने पर, n इक्वल k प्लस 1 रखने पर, तो रखो यहां पर n की जगह पर k प्लस 1, तो p k प्लस 1 यहां 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर डैश 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 n की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं k प्लस 1, तो k प्लस 1 यहां पर k प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। यहां पर n की जगह k पुट करो k प्लस 1 प्लस 2 इक्वल में यहां पर n की जगह पर k प्लस 1, यहां इसी प्रकार k प्लस 1 प्लस 1, तो देखो इसको लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे k प्लस 2, यहां पर k प्लस 1 प्लस 2 क्या हो जाएंगे k प्लस 3, k प्लस 1 प्लस 3 k प्लस 4 और अपॉन में कितना है। अब यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर प्लस में डैश 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 k इंटू k प्लस 1, सॉरी k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 क्या होना है k प्लस 2 और यहां पर k प्लस 3 ठीक है जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब ये तो k प्लस 1 वां पद है, इससे पहले वाला पद कौन सा होगा k वां पद, k वां पद यहां से देख लेते हैं क्या होगा हमारे पास, यहां लिख लेते हैं इसमें k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस, इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ये हम मान के चले थे यहां तक इसकी वैल्यू ये है, मान के चले थे भी pk क्या है सत्य है। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से इसकी वैल्यू रखते हैं तो कितनी है k इंटू k प्लस 1, इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू दी हुई है ठीक है, ये माना था हमने p के सत्य है, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी हमने वैल्यू रख दी
ठीक है, तो k into k plus 1, k plus 2, k plus 3 upon में 4, और plus में इसके क्या कर रहा है, k plus 1, k plus 2, k plus 3, पूरे में से हमारे पास common क्या आ रहा है, k plus 1, k plus 2, k plus 3, ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पर, तो k अपॉन में 4 और प्लस में यहां पर ये सारे कॉमन आ गए तो क्या रह गया 1। एलसीएम लेंगे यहां से तो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, 4 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या लिखा k प्लस 2, तो ये पूरे के अपॉन में 4 लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये ही हमें यहां पर प्रूव करना है, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 इनटू k प्लस 4 अपॉन में, तो ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, अर्थात p k प्लस 1 सत्य है, अर्थात p k प्लस 1 सत्य है। अतः द्वितीय आगमन सिद्धांत द्वारा स्मॉल n बिलोंग्स टू n दिया गया कथन क्या रहेगा, सत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पांचवे क्वेश्चन की, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपने करने पांचवा और छठा क्वेश्चन, वो आप खुद करें, फिर भी आपके डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, अगर पीछे भी कोई डाउट है थर्ड चैप्टर में वो भी आप अपने क्लियर कर सकते हैं, पांचवा और छठा क्वेश्चन इसका आप खुद करेंगे, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।